और श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही बीएसपी के संगठन को चलाने व चुनाव लड़ने आदि के लिए हमेशा अपनी पार्टी के इन वर्गों के लोगों से ही विभिन्न रूपों में आर्थिक सहयोग लिया है, न कि कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से कोई भी आर्थिक सहयोग लिया है, वरना फिर सहारे के साथ साथ उनका इशारा भी जरूर आ जाएगा और फिर सत्ता में आने पर हमें भी इन पार्टियों की तरह ही उनको फायदा पहुंचाने के हिसाब से ही अपनी सरकार चलानी पड़ेगी और ऐसी स्थिति में फिर हमारी पार्टी सत्ता में रहकर भी अपने लोगों को उचित लाभ नहीं पहुंचा सकती है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारी पार्टी हर वर्ष अपने इन वर्गों के लोगों से ही विभिन्न रूपों में थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर अपनी पार्टी के संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है। लेकिन इसे भी विरोधी पार्टियों के लोग षड्यंत्र के तहत व जानबूझकर काफ़ी गलत तरीके से प्रचारित करके हमारी पार्टी को आए दिन बदनाम करते रहते हैं, जबकि इस मामले में यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि बाबा साहब के मिशन के नाम पर विरोधियों के इशारे पर बने अनेकों संगठन व पार्टियाँ जो खासकर बीएसपी के मूवमेंट को कमजोर करने के लिए हर स्तर पर आए दिन पैसा पानी की तरह बहाते रहते हैं, उनके ऊपर आए दिन पैसा पानी की तरह बहाते रहते हैं, आखिरकार इनके पास ये अपार धन व पैसा कहाँ से आता है? ये काफ़ी गंभीरता से सोचने की बात है। जो इनके इशारे पर जो अनेकों संगठन बने हैं विरोधी पार्टियों के इशारे पर, तो जो बाबा साहब के नाम पर अनेकों संगठन व पार्टियाँ बनी हैं, तो इनके पास ये इतना पैसा कहाँ से आता है अपार धन? तो ये काफ़ी गंभीरता से सोचने की बात है, जबकि ये संगठन ये पार्टियाँ इन्हें चलाने के लिए ये जो बनी हैं, जबकि ये संगठन व पार्टियाँ इन्हें चलाने के लिए बीएसपी की तरह अपने समाज के लोगों से कोई भी चंदा आदि इकट्ठा नहीं करते, जिससे भी ये काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि इनके पास इन संगठनों व पार्टियों को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए ये पैसा व धन बीएसपी की तरह अपने लोगों से नहीं आता है, बल्कि पर्दे के पीछे से इनके पास ये पैसा व धन हमारी विरोधी पार्टियों से ही आता है, जो खासकर बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि विरोधी पार्टियों के इशारों पर बने ये संगठन व पार्टियां हमारी पार्टी को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने के लिए भी हमारे लोगों को ये कहकर और गुमराह करते रहते हैं कि बीएसपी तो आए दिन चंदा ही इकट्ठा करती रहती है, जिससे खासकर यहाँ दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित व कमज़ोर वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है। हालांकि इन सब मामलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री कांशीराम जी हमेशा इन लोगों को शुरू से ही सजग व सचेत करते रहे हैं। इसके अलावा अब तो हमारे विरोधी लोग बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए इस हद तक उतर आए हैं कि जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसीन होती है तो तब कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हमारे इन वर्गों के लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर षड्यंत्र के तहत बीएसपी को बीजेपी एंड कंपनी की बी टीम, पिछलग्गु, मुखपत्र व ना जाने क्या क्या नामों की संज्ञा दे देते हैं। और जब ठीक इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग केंद्र की सत्ता में आसीन होते हैं तो तब बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए लगभग यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोग पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जिनकी सोच, नीति व नियत
हमारी पार्टी या हमारे इन वर्गों के लोगों के प्रति लगभग एक जैसी है, जिसके तहत ये सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर बीएसपी को केंद्र व राज्यों की सत्ता तक नहीं पहुंचने देना चाहती हैं। वैसे भी इन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि बीएसपी के सत्ता में आने पर फिर ये पार्टी खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों व अन्य उपेक्षित वर्गों एवं अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों के हितों का और इनके साथ साथ किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, अन्य मेहनतकश लोगों का भी हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा पूरा ध्यान रखती है, जो इन्हें कतई भी पसंद नहीं है। जो विरोधी लोग हैं उन्हें कतई भी पसंद नहीं है। यही कारण है कि केंद्र व राज्यों में जब भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की सरकार होती है तो तब इनकी सरकारें हमारे इन वर्गों का हर स्तर पर खूब शोषण करती हैं तथा विकास व उत्थान के मामले में भी इनकी काफ़ी उपेक्षा करती हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ व फायदे के लिए इन वर्गों पर व इनकी बहन बेटियों पर कोई भी जुर्म जाति आदि होने पर फिर उसकी आड़ में राजनीतिक ड्रामा भी खूब करती हैं और इस मामले में हाथरस जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के शासनकाल में यहाँ इन लोगों का कोई भी खास विकास व्यवस्थान आदि नहीं हुआ है और इनके ऊपर बड़े पैमाने पर हर स्तर पर जुल्म जाती हुई है। और अभी भी ये सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर आपस में एक होकर हमारे इन वर्गों के लोगों का हर स्तर पर काफ़ी शोषण करती हैं और इन्हें अभी भी सदियों की तरह ही अपना गुलाम व लाचार बनाए रखना चाहती हैं, जिसकी खास वजह से ही फिर हमें इन वर्गों के हितों में बीएसपी को बनाने की ज़रूरत पड़ी है, जिसे अब कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोग अंदर अंदर एक होकर रात दिन पूरी ताकत लगाए हुए हैं, जिनसे हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए अब हमें अपने लोगों के हितों में केंद्र व राज्यों की भी सत्ता खुद अपने हाथों में लेनी होगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं माननीय श्री कांशीराम जी के अनुयायियों से यही अनुरोध करती हूँ कि वे ऐसे सभी जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों से तथा इनके इशारों पर बनाए गए स्वार्थी व बिकाऊ किस्म के सभी संगठनों व पार्टियों से दूरी बनाते हुए अपने हितों में केवल अपनी एकमात्र हितेशी सब जनहिताय व सर्व जन सुखाय की पार्टी बीएसपी को ही हर प्रकार से मजबूत बना के इसे केंद्र व राज्यों की सत्ता में जरूर लाएं। और यदि इनके अनुयायी ये संकल्प लेकर अब आगे बढ़ते हैं तो फिर यही इनकी आज मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी। अब मैं अंत में ये भी कहना चाहूँगी, इस समय बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और यदि यहाँ इन वर्गों के लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर बिहार में हमारी पार्टी बीएसपी व श्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि को मिलाकर बने और भी पार्टियां मिली हैं आदि को मिलाकर बने इस गठबंधन का तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के उपचुनावों में अकेले लड़े ही बीएसपी का फिर जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः माननीय श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं श्री रामविलास पासवान जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे कल उनके हुए निधन पर गहरा दुख प्रकट करती हूं। साथ ही कुदरत से ये भी प्रार्थना करती हूं कि कुदरत इनके परिवार में समर्थकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जय भीम भारत।